भूखा भाई कच्चालू और आज फिर एक न्यू डिश के साथ आ गया है भूखा भालू। दोस्तों आपने बहुत डिश देखी होगी, नई नई तरह की डिश देखी होगी एंड मुरादाबाद दाल एंड बरेली की दाल आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं मांगेराम जी की स्पेशल स्वादिष्ट एंड जायकेदार दाल छोले कुलचे। इनकी जो दाल होती है ना, दाल इनकी ऐसी होती है थोड़ी हलवे टाइप की, थोड़ी गाढ़ी दाल होती है, एक मतलब एक यूनिक कंसेप्ट है। और अगर आपको ये यूनिक कंसेप्ट खाना है एंड यूनिक डिश खानी है तो इसके लिए आना पड़ेगा आपको हरिद्वार की चटपटी गलियों में। ये चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों आ गए मांगेराम जी के पास, जिनके यहाँ पे मिलती है मूंग की दाल स्पेशल वाली। अगर आप हेल्दी खाने के शौकीन हैं तो आप बाबूजी के पास आ सकते हैं और अपनी डिश लगवा सकते हैं। एंड इनके पास मिलता है चने का सूप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड हेल्दी है बिल्कुल। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये इनकी दाल कुछ इस टाइप की होने वाली है। आपने मुरादाबादी दाल बहुत देखी होगी, लेकिन इस टाइप की दाल आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूमे ना, मांगेराम जी के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी ये दाल। बाकी हम अपने प्लेट लगवाते हैं और आपको यहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं। आगे हम मांगेराम बाबूजी के पास, जिनके हाथों का जादू मूंग की दाल जो खिलाते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा इनके यहाँ के ना दाल लेने के लिए। एक अपने में टास्क है, हरिद्वार में आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी जल्दी, लेकिन बाबूजी की दाल आपको ये तो भूल ही जाओ कि आपको जल्दी मिल जाएंगी। हमें कम से कम एक घंटा हो गया है, हमारा नंबर अभी तक तो आया नहीं है, बाकी अभी पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी या नहीं, बाकी हम लाइन में लगे हुए हैं। तो गाइस हमारी प्लेट लगने वाली है। तो सर कितने सालों के आपको यहाँ पे? 10 सालों। अच्छा, तो ये आगे हमारी दाल स्पाइसी। ये आगे इसमें मटर एंड ये आगे इसमें इनके हाथों का जादू जो कि इनके मसाले हैं। ये आगे इनकी हरी चटनी एंड ये आगे इनके भाई वाह, ये लग आ गया तड़का। तो आप देख सकते हैं कितनी लजीजदार लग रही है दाल, आगे मजा आ जाएगा। जी ये हो गई हमारी दाल रेडी, अब हम खा के यहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। अरे नीचे गिर गया था भाई। ये आया लेमन, कोई तो मारे ना रे, एक डायलॉग तो मार दो सर, एक डायलॉग मार दो। आज सर थोड़े हमारे गुस्से में है और गुस्से में प्लेट दिए, मतलब या तो ऐसे कहते टाइम नहीं मिल पा रहा बोलने का। तो दोस्तों ये लगने वाली हमारी फायर, भाई वाह भाई साहब, आप देख सकते हैं मक्खन ही मक्खन है, मक्खन में तर कर दिया, आप देख सकते हैं कितनी लजीजदार लग रही है, खा के मजा आ जाएगा। ये डिश हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, वो भी मांगेराम अंकल जी के पास, तो खा के यहाँ का एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाते हैं। आइए चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों आगे मांगेराम जी की स्पेशल दाल जो कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं सिर्फ हरिद्वार में मिलते हैं, और आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक जो हो रहा है ये है अमूल मक्खन का तड़का, जो कि फायर दाल भी बोल सकते हैं, एक यूनिक नाम निकाल के लाया है हम। बाकी हम खा के यहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं। गाइस गजब ऑथेंटिक टेस्ट है, जैसे गाइस आपने मुरादाबाद दाल खाई होगी तो वो थोड़ी पतली होती है एंड ये है तो मुरादाबाद दाल टाइप की, लेकिन ये बिल्कुल गाढ़ी कर रखी है, आप देख सकते हैं एंड ये कर रखा है बिल्कुल मक्खन में तर, मक्खन में बिल्कुल फायर लगा के बिल्कुल मक्खन से ठोक दिया। एंड अगर आप बिना मक्खन के बिना फायर के खा सकते हैं तो आपके लिए वो भी लग जाएगी, लेकिन जो तड़के वाला है मक्खन के साथ जो तड़के वाला है उसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल वाला टेस्ट है। तो लोग भाग जो भी यहाँ पर आते हैं सबकी डिमांड यही रहती है कि हमें फायर वाला दीजिए, जो कि मक्खन का स्वाद भी आए और इनके जो स्पाइसी दाल है उसका भी स्वाद आए। एंड गाइस पूरे हरिद्वार का खाना एक तरफ एंड ये डिश एक तरफ। जब हम इनके पास आए थे, जब हमने वाली दाल देखी थी तो हम सोचे थे पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन ये दाल खा के भाई सब जायका भी बढ़िया हो गया, हेल्थ भी ठीक हो गई, सब बढ़िया हो गया, मतलब हेल्दी फूड है। अब हमने बच्चों को भी खिला सकते हैं एंड जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर भी यही कहता है कि आप मांगेराम जी की दाल खिलाओ, बच्चे में एक जुनून सा जाएगा स्पाइसी चीज़, बच्चे का
जाएगा भी ठीक हो जाएगा। तो इस जायके का आनंद उठाने के लिए आपको आना पड़ेगा ज्वालापुर मांगेराम जी के पास, जो कि आप देख सकते हैं बाबू जी को एक मिनट का भी होश नहीं मिलता, मतलब हाथ चलते ही रहते हैं बुलेट ट्रेन की तरह। तो बाकी आप भी आना, अगर आप आने हैं तो कम से कम टाइम निकाल के आना, एक डेढ़ घंटे के लिए हो सकता है तो दो घंटे का भी टाइम निकाल के आना, क्योंकि आपको आने का टाइम है लेकिन जाने का टाइम और कब मिलेगी वो बाबू जी के हाथ में ही है। तो बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो दोस्तों हम अपनी दाल का आनंद उठा देते हैं। तो हमें मैम मिली, हम मैम से पूछते हैं मैम कब से आ रही हैं एंड मैम को कैसे लगा यहाँ का टेस्ट। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम मैम आपका? यांसी। तो मैम हम यहाँ कब से आ रहे हैं? दो तीन महीने हो चुके हैं मुझे आते हुए। आपका होम टाउन हरिद्वार? नहीं, स्टडी करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको टेस्ट यहाँ का? बहुत टेस्टी है, तभी तो रेगुलर आ रहे हैं ना, नहीं तो कौन आता है। जैसे हम आए हमें ढाई घंटे वेट करके जब मिली है दाल, तो आपको वैसे वेट करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई भी आएगा, कोई भी चाहे नेता है जब कोई आते हैं इनपे यहाँ पे नेता वेता, तो यहाँ सबको वेट करना पड़ता है, यहाँ सबके लिए वेटिंग टाइम है। अच्छा, तुम्हारी ऑडियंस की एक बार रिकमेंडेड करें कि यहाँ पे आप लोग जरूर आए यहाँ पर, क्योंकि मतलब मुझे हरिद्वार में सबसे बेस्ट दाल कुलचे वाले लगे हैं ये जी, और आप लोगों को जरूर विजिट करना चाहिए जी। जैसे कि हमने आज हरिद्वार में बहुत कुछ खाया लेकिन टेस्ट ठीक है, नॉर्मल था, लेकिन इस दाल ने मजा खड़ा कर दिया, मजा आ गया। ये कनखल रोड पे है, आर्य नगर चौक ज्वालापुर, तो आपको यहाँ के मिल जाएगा, आप किससे पूछेंगे जी। तो आप आना, बच्चे बच्चे से भी पूछोगे ना तो बच्चा बच्चा भी बाबूजी के पास आके आपको छोड़ के जाएगा। तो कमेंट में बताने की आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, नमस्कार, जय श्री राम जी।